हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप लोग रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा सकते हो, आप अपने बच्चों के शादी करने के लिए पैसा लगा सकते हो, घर बंगला जो खरीदना है भाई उसके लिए इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। ये एक ऐसा कंपनी है फ्रेंड जिसका प्रोडक्ट हम सभी लोगों को घर में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं आप लोग इस कंपनी में भी पैसा लगाए। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, स्ट्रांग फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आपका इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के खरीदारी कीजिए। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं हाफयरली रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर उस कंपनी का धंधा अच्छा होगा, बिजनेस मॉडल अच्छा होगा, तभी फ्रेंड वो जाके अच्छे रिजल्ट पेश करेंगी, और जो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है वही फ्रेंड लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 16 में था, वो 2919.05 था, सितंबर 16 में 2919.05 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 4787.33 हो चुका है। तो देख लो भाई नेट सेल कितना जबरदस्त है, 2919 से 4787 हो चुका है। ऐसी भाई अगर नेट सेल किसी कंपनी में दिखाई देती है तो आप लोग पोजीशन बनाइएगा, और इस कंपनी के प्रोडक्ट आप सभी के घर में मौजूद हैं तो आप लोग खरीदिएगा जरूर इस कंपनी को। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो टोटल इनकम था वो 2975.03 था सितंबर 16 में, और सितंबर 18 हो चुका है वो 4850.87 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 411.55 था, सितंबर 16 में 411.55 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 574.76 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाफ ईयरली शानदार दिखाई दे रहे हैं। एबिटा देख लो, एबिटा भी भाई शानदार है। सितंबर 16 में जो एबिटा था वो 467.53 था सितंबर 16 में, और सितंबर 18 हो चुका है वो 638.30 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली शानदार दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भाई इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सितंबर 16 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 291.37 था, सितंबर 16 में 291.37 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 389.02 हो चुका है। तो देख लो कितना जबरदस्त है, 291 से 389 हो चुका है। रिपोर्टेड पैड देख लो, पैड डिवाइस का शानदार है। सितंबर 16 में जो पैड था वो 291.37 था सितंबर 16 में, और सितंबर 18 हो चुका है वो 389.02 हो चुका है। तो मुझे भाई इसका हाफ ईयरली रिजल्ट काफी जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे। तो देखिए नेट सेल टर्नओवर मार्च 14 में था वो 4719.69 था, मार्च 14 में 4719.69 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 8138.57 हो चुका है। तो देख लो इसका ईयरली नेट सेल कितना जबरदस्त है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी शानदार है इसका ईयरली। मार्च 14 में जो टोटल इनकम था वो 4763.75 था, मार्च 14 में 4763.75 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 8255.56 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयरली काफी जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार ईयरली। मार्च 14 में जो फ्रेंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 641.60 था, मार्च 14 में 641.60 था, और मार्च 18 में देख लो 1049.29 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग ऐसी कंपनी खरीदोगे भाई तो कभी भी लॉस नहीं होगा।
एबिट्टा देख लो, एबिट्टा मार्च 14 में था वो 685.66 था, मार्च 14 में 685.66 था और मार्च 18 में हो चुका है वो 1166.28 हो चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिट्टा ईयर टू ईयर शानदार दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भाई इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मार्च 14 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 478.69 था, मार्च 14 में 478.69 था और मार्च 18 में हो चुका है वो 700.41 हो चुका है। तो देख लो इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना जबरदस्त है, 478 से 700 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो, पैट भी भाई शानदार है इसका ईयरली, मार्च 14 में जो पैट था वो 478.69 था मार्च 14 में और मार्च 18 में हो चुका है वो 712.52 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका ईयरली रिजल्ट शानदार दिख रहा है। आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए, जितना चाहो उतना पैसा लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म फ्रेंड आपको ये वेल्थ क्रिएट करके देगा और एक सुरक्षित कंपनी है। हैवेल्स का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इस कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी। इससे फ्रेंड मैं अब तक कई बार वीडियो बना चुका हूँ, 450 रुपये से ये स्टॉक मैं बता रहा हूँ और अभी ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न भी आप लोग को बना के दे चुका होगा और आगे भी देगा। इसी की जैसी बिजनेस करने वाली कंपनी का हाल ही में आईपीओ आया है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी हुआ है। मैं पॉलीकैब का यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ। तो देखो वो भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप लोग चाहो तो उसमें पैसा लगा सकती हो और जिन भाइयों लोग का अलॉटमेंट आया है उनको शेयर मिला है तो होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, कम से कम 20-30 साल होल्ड कीजिए ना अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो। छोटा मोटा भाई पैसा बना के क्या करोगे, मैं चाहता हूँ आप लोग 1000-2000-3000% रिटर्न बनाओ तब ना पैसा का मजा आएगा भाई, आनंद आएगा। 100-150% में क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है। मैं चाहता हूँ आप लोग बड़ा पैसा बनाइए। हैवेल्स का आपको मैं कंज्यूमर में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हैवेल्स का फैन आता है, आप सब लोग को पता ही है, लाइट आता है हैवेल्स का, होम अप्लायंस आते हैं काफी सारे, स्विचेस आते हैं आपके घर में तो भाई स्विच होगा ही हैवेल्स का है, स्विच गियर भी आते हैं जिसको MCV बोलते हैं, वाटर हीटर्स भी आते हैं हैवेल्स का, फिक्सेबल केबल भी आते हैं, वायर आते हैं, एयर कूलर, अभी गर्मी का मौसम है तो अच्छा खासा इन कंपनियों का सेल्स होता है, हैवेल्स का पंप भी आते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग भी आते हैं, वाटर प्यूरीफायर भी है हैवेल्स का और इंडस्ट्रियल में आप यहाँ पे देख सकते हो केबल, ये सब देख सकते हो, HT पावर केबल्स है, LT पावर केबल्स है, LT कंट्रोल केबल्स है, मोटर भी देख सकते हो हैवेल्स का, मोटर भी आते हैं, हैवेल्स का हैवी ड्यूटी फैन भी आते हैं, सोलर भी आता है, स्विच गियर, पर्सनल प्रोफेशनल लाइटिंग है ये। तो देखो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैं तो बोलूँगा ये ऐसा स्टॉक है भाई जो हर गिरावट में खरीदिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप एक दिन बहुत बड़ा पैसा बना लोगे और एक सुरक्षित कंपनी है भाई जिसमें पैसा बनेगा ही। और आप सब लोग को पता ही होगा पहले विलेज एरिया में गांव में लाइट्स नहीं होते थे, लेकिन फ्रेंड अब लाइट्स भी आ गए हैं गांव में, जिसकी वजह से हैवेल्स जैसी कंपनी को बहुत ही फायदा होता है, बजाज इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी को बहुत ही फायदा होता है, पॉलीकैब जैसी कंपनी को बहुत ही फायदा होता है, उनका मतलब सेल्स बढ़ेंगे, जो विलेज में रहते हैं लोग वो लोग ये सब यूज करेंगे, इनके प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हैवेल्स इंडिया अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आगे भी देगा। तो देखो 10 साल का रिटर्न है वो 4673.36% रिटर्न है, तो देख लो कितना अच्छा ये कंपनी रिटर्न बना के दिया है। सेंसो का रिटर्न है वो 255.08% का रिटर्न है, थ्री ईयर में देख लो, थ्री ईयर में जो रिटर्न दिया है वो 120% रिटर्न है जो कि फ्रेंड अच्छा ही रिटर्न माना जाएगा। सेंसे को रिटर्न है 51.61% रिटर्न है, वन ईयर में देख लो, वन ईयर में भी ये कंपनी अच्छा ही रिटर्न बना के दिया है, 37.99% रिटर्न है। सेंसे को रिटर्न है 14.01% रिटर्न है, ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में रिटर्न है 9.22% रिटर्न है। सेंसे को रिटर्न है 8.52% रिटर्न है, वन मंथ में देख लो, वन मंथ में रिटर्न है 0.97% रिटर्न है। सेंसे को रिटर्न है 2.74% रिटर्न है, वन वीक में भी देख लो,
वन बीक में टर्न है माइनस 0.38% टर्न है, सेंसेक्स का टर्न है 1.44% टर्न है, वन डे में देख लो वन डे में टर्न है वो माइनस 0.26% टर्न है, सेंसेक्स का टर्न है माइनस 0.34% टर्न है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाओ, कंसिस्टेंट ये कंपनी रिटर्न बना के देती है, अच्छा रिजल्ट पेश करती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा बनेगा और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। हैवल्स इंडिया का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 59.55% का होल्डिंग है, एफआईएस का जो होल्डिंग है हैवल्स इंडिया में वो 27.28% का होल्डिंग है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो आईपीओ आया पॉलीकैब का जो आईपीओ आया, अभी उसमें एफआईएस को होल्डिंग कम दिखाई देगा, लेकिन देख लेना एक से डेढ़ साल में बहुत ही अच्छा खासा उसमें एफआईएस की होल्डिंग हो जाएगी, क्योंकि एफआईएस फ्रेंड अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं रहता है किस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, बस वो अच्छी कंपनी पीक करना जानते हैं। तो उसमें भी देखना आने वाले समय में एफआईएस का अच्छी खासी होल्डिंग हो जाएगी। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 3.88% का है, अदर डी आई पर जो होल्डिंग है 0.58% का है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 8.71% का है। कोई भी शेयर हैवल्स इंडिया का प्लेस नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हैवल्स इंडिया का, हैवल्स इंडिया का पी रेशियो है 58.02 का पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू है 12.33 का, डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.53% का है, आरओसी देख लो जबरदस्त है भाई, काफी अच्छा इसका आरओसी है 37.81% का है, आरओई जो लेटेस्ट है वो 21.25% का है। तो मुझे इसका आरओसी लेटेस्ट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो एक्सपेंसिव बता रहा है, अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा हैवल्स इंडिया का वो 326 से 553 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो फ्रेंड मुझे नहीं लगता आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉक आपको 720 के प्राइस पे मिल सकता है, तो आप लोग चाहो तो 720 का प्राइस आता है तो खरीद सकते हो। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो देख लो यहाँ पे गुड बता रहा है, सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 16.53% का है, एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 14.52% का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हैवल्स इंडिया ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है, तो देख लो 10 साल में रिटर्न है वो 4679% रिटर्न है, 5 साल में 304% रिटर्न है, 3 साल में 120% रिटर्न है, 1 ईयर में 38% रिटर्न है, ईयर टू डेट में 9% रिटर्न है। तो देख लो ये कंपनी कितना कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे रही है। तो भैया आप इस कंपनी में खरीदो, दिल खोल के खरीदो, मैं चाहता हूँ भाई आप लोग पैसा बनाओ और आराम से पैसा बनाओ, बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। हैवल्स इंडिया का 52 वीक हाई है वो 782.70 रुपया, 52 वीक लो है 514.75 रुपया। सेंटीमीटर की बात करूं तो 80% नंबर है बाई कीजिए, 13% नंबर है सेल कीजिए, 7% नंबर है होल्ड कीजिए। मार्केट कैप देख लो अच्छा खासा हैवल्स का मार्केट कैप है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है भाई, 47,292.01 का मार्केट कैप है, पी जो हैवल्स का वो 58.34 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है वो 54.02 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले हैवल्स इंडिया का पी थोड़ा हाई है। बुक वैल्यू जो है हैवल्स का वो 59.78 का बुक वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर जो हैवल्स का वो 12.96 का है, जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है, फेस वैल्यू 1 का है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल बटन पे बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाइए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टॉक आपको रिटर्न बना के देता ही जाएगा। धन्यवाद।